अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद कैरी। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें थ्री डिजिट्स हैं। ठीक है, थ्री डिजिट्स नंबर में हमें थ्री डिजिट्स नंबर को ही प्लस करना है, वो किस तरह करेंगे, और अगर हमारे पास टू डिजिट्स में आंसर आए वंस और टेंस की प्लेसेस पे तो हम किस तरह उसे आगे कैरी देंगे और किस तरह ऐड करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको आज समझाने लगी हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एडिशन के हवाले से वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो वैल्यू नज़र आ रही है हमें वो है 463 प्लस 128। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब इसे ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे जो सिंबल है ये प्लस का सिंबल है, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देना है, मीन्स ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है हम कहाँ से इसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा एंड से। जो हमारी वंस की वैल्यू होती है उसे हम सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये कभी भी नहीं करेंगे कि स्टार्ट से हमने देखा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल एंड से स्टार्ट लेंगे। तो एंड में यहाँ हमारे पास है 3 और यहाँ हमारे पास है 8, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर इजीली आ जाएगा। तो अब हम किस तरह ऐड करेंगे इनको, यहाँ हमारे पास 3 है तो हम 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3। फिर यहाँ हमारे पास 8 है तो हम 8 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या करेंगे, इन सबको एक साथ हमें काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमारे पास आ गया 11। 11 का हमें क्या करना है, हमारे पास टू डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 11। 11 का जो लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला 1 हमने लिखना है यहाँ पे, और जो हमारे पास एक और 1 है यहाँ पे वो हमने दे देना है कैरी यहाँ पे, ठीक है। जो आगे हमारे पास ये टेंस की प्लेसेस हैं वहाँ हमने इसे कैरी दे देना है, मीन्स के ये वाला 1 इन दोनों डिजिट के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, 2 है, और 6 में 2 के साथ जब हम प्लस करेंगे तो ये कैरी का 1 भी हमें प्लस करना है। तो चलें प्लस करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो हम 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास 2 है तो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर हमारे पास ये कैरी का 1 है तो हम इसको भी यहाँ ड्रॉ करेंगे, और अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम 9 को पूरा यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, 4 एंड 1, 4 में 1 प्लस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, तो हम 5 यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 और इसकी नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें हमें प्लस करना है 234। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, लास्ट वाली, उसके बाद ये टेंस की वैल्यूज है, इन दोनों को प्लस करना है, और फिर हमारे पास 100 की दोनों वैल्यूज है, उन दोनों को एक साथ प्लस करना है। तो यहाँ हमारे पास है 8, तो हम सबसे पहले 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ हमारे पास 4 है तो हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। अब इन सबको क्या करना है, हमें एक साथ काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 आ रहा है हमारे पास यहाँ, 1 2 12। तो 12 को हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, वो हमें यहाँ लिखना है, और जो ये आपको नजर आ रहा है वो 1 चला जाएगा यहाँ पे टेंस की वैल्यूज के साथ, और यहाँ जाके ये इन दोनों के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 4, तो पहले हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। फिर 3 है तो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ 1 है तो हम ओनली 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट मिल रहा है, एक ही डिजिट है, आगे हमें कोई कैरी नहीं देना, इसलिए यहाँ हमने लिख लिया 8। लास्ट में हमारे पास है 3 प्लस 2, तो हमने 3 लाइन्स ड्रॉ की, 1 2 3, और नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, 2 लाइन्स ड्रॉ की, कोई यहाँ हमारे पास कैरी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5 सिंगल डिजिट है, वो हमने यहाँ इजिली लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
246 प्लस 125। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको फिंगर्स पे बताती हूँ काउंट करना। देखिए हमारे पास जो एक बड़ी वैल्यू है 6, 5 छोटी वैल्यू है, तो 6 को छोड़ के 5 को हम अपनी फिंगर्स पे ले आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तक 5 आया है। अब 6 के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ये 5 हमें काउंट करने हैं 6 के बाद से। 6 ये हो गया, उसके बाद 7 8 9 10 11, मीन्स 6 प्लस 5 हो गए 11। 11 का हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, और जो 11 की जो टेंथ वैल्यू है वो चली जाएगी यहाँ पे टेंथ की वैल्यू के साथ ऐड होने के लिए। अब क्या करेंगे, 4 में हमने क्या करना है, 2 प्लस करना है, और ये कैरी का 1 भी प्लस करना है। तो 4 बड़ी वैल्यू है, 4 को छोड़ के छोटी वैल्यू को हम अपनी फिंगर्स पे ले आएंगे, 1 एंड 2। ठीक है, अब 4 के बाद से इसे काउंट करेंगे, 4 के बाद आ गया 5 6, और ये कैरी का एक और 1 ऐड करना है इसमें, तो ये हो गया 7। देखिए 7 हमने यहाँ लिख लिया और हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तो सबको ही पता है 2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3, और हमारा आंसर ये भी आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, वो है 724 प्लस 139। बड़े नंबर को छोड़ के छोटे नंबर को ले आएंगे हम अपनी फिंगर्स पे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब इस 4 को काउंट करेंगे 9 के बाद से, 9 के बाद क्या आ गया, 10 11 12 13, मीन्स जब हमने 4 में 9 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ 13। 13 का जो लास्ट वाला नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो स्टार्ट वाला नंबर है वो चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों को हमें अब प्लस करना है, तो 3 को छोड़ के हम 2 को अपनी फिंगर्स पे ले आते हैं, 1 2, और 3 के बाद से काउंट करेंगे 4 5, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया 6। 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 8। देखें कितनी जल्दी से हमने लाइंस के थ्रू भी और फिंगर्स पे काउंट करके भी एडिशन के सम जो है वो कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।